भाई फायरिंग क्योंकि चंद दिनों से फायरिंग हो रही है यहाँ पर, मुसलसल 5-6 दिनों से फायरिंग हो रही है। तकरीबन शाम 10 बजे रात को शुरू हुए हैं तो और सुबह 4 बजे उन्होंने खत्म किए। राणा ने बने उदू ना फारूक होंगे तो पुलिस को तू इतला कर सा या असा जे बंदे दी पुलिस सुनदी भी है जे गरीब आवाम है वैसे टाचर ही कर देना आवाम प्रशायित कर देना सारे माल डंगर बाहर जांदा था अजी आप बाहर ही FMC को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले तमाम अपडेट्स हासिल हो सकें। सच बात में मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो जुर्रत इजहार न मांगो। जंडू सईदा और जादा के दरमियान शदीद फायरिंग से मुमकिन जानी नुकसान के पेश नजर हमने थाना फोन किया। मोरर थाना ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और फौरी पुलिस रवाना करने का कहा, जो कर दिया। हम मोरर थाना चौंतरा की फ्रैज मंसबी निभाने पर बहुत खुश और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जंडू सईदा फायरिंग पर अवामी रद्द अमल गैर जानबदराना ख्याल रिकॉर्ड किए, जो पेशी खिदमत है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर फायरिंग हो रही है? ये 2 दिन से फायरिंग हो रही है, 2 दिन लगातार इन्होंने फायरिंग शुरू की हुई है। तो आपने कोई पुलिस को इतला वगैरह नहीं की? हमने कोई पुलिस को इतला वगैरह नहीं की, हम एक गरीब ब्लॉक हैं, इधर रैश पजीर हैं, तो हम तो अपना कोई कारोबार कोई काम करते हैं दिन को जो है ना, तो ये जो है ना वैसे रात को जो शुरू हो जाते हैं, रात को सोने नहीं देते, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो कितने दिनों से हो रही है फायरिंग? ये 2 दिनों से कर रहे हैं, वैसे पहले भी करते हैं, पहले भी करते हैं, 1-2 दिन पहले भी करते हैं जो है ना, पहले भी तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना इधर प्रॉपर्टी शुरू की हुई है, सटियों वाले लोग हैं, तो ज़मीनें हमारी ज़मीनें जो है इस तरह कब्जा कर लेते हैं, तो वो ये खा ये बेच के आराम कमा के तो फिर जो है ना इस तरह गरीब लोगों को तंग करते हैं। तो अच्छा, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं इतना टाइम हो गया? ये सोसाइटियों वाले हैं ना, ये ज़मीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो इधर ही जो है ना दूसरा कब्जा करके तो फिर आगे फरोख्त करके तो इस तरह जो है ना आराम कमा के तो फिर फायरिंग करते हैं। आराम का पैसा है, ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है ना। अच्छा, आज रात कितने बजे तक फायरिंग उतरी थी? आज रात नहीं, तकरीबन परसों रात का मैं आपको बताता हूँ कि पूरा दिन पूरा रात उन्होंने तकरीबन शाम 10 बजे रात को शुरू हुए हैं तो और सुबह 4 बजे उन्होंने ख़त्म किए फायरिंग। वैसे टाचर ही कर देना आवाम प्रशायित कर देना सारे माल डंगर बाहर जाना था अभी आप बाहर। हम दानिया चंडू सईदा में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये 2 दिन से जो फायरिंग हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, होती है, आज रात को भी होती हो रही थी, काफी ज्यादा होती है, इधर से भी होती है और पार इलाके से भी होती है। कितनी दूरी पर फायरिंग होती है यहाँ? कितनी दूरी पर फायरिंग हो रही है? कितनी दूर मतलब फायरिंग से आप कितनी दूर हैं? फायरिंग इधर बिल्कुल साथ ही है, इधर भी हो रही है, उधर पार भी हो रही है। अच्छा, तो आपको किसी को इतला किया आपने? नहीं, कोई भी नहीं, हमने तो किसी को इतला नहीं की पहले। कौन सी जो है हथियार वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे? हम तो मदरसे में होते हैं, देखा नहीं है, जो फायरिंग की आवाज है वही नहीं, फायरिंग तो तुसा पता ही है रोज आती है, वो तो डेली है ना। मेरा नाम तहर है, माल डंगोरी रखे, मजदूरी करने है और की करने, ये आज काफी दिन तो हो रही, 3-4 दिन तो हो रही। यही बिल्लू वाल डाले तो नाल वकार रही, दो पार्टियां आपस में इन्हों का तनाजा हो सी। अच्छा ठीक है, तो आपके बच्चे से चिक गए? जी जी, यही है ना, स्कूल जाते हैं? वैंदन जी, और सुन रही मजीद हूँ असं के और दसा दसो तुम फायरिंग तो उवे जी आँगी भी सामने नजर आँगी आवाज आंदा हर बंदे हाँ रोजाना फायरिंग आँगी। असा तो कोई नहीं की इतला, असि तो माल डंगो चराने वाले बंदे उदू ना फारूक होंगे तो पुलिस कुत्थों इतला कर सा या असा जो बंदे की पुलिस सुनती भी है जो गरीब आवाम है, गल तो है ना। अच्छा,
वैसे टाचर ही कर देना वहां मन प्रशायित कर देना सारे माल डंगर बाहर जाता है असि आप बाहर ही बहने भाई फायरिंग क्योंकि चंद दिनों से फायरिंग हो रही है यहाँ पर मुसलसल पाँच छः दिनों से फायरिंग हो रही है पूरा गांव पूरा ये इलाका पूरा मतलब है कि डिस्टर्ब है ये फायरिंग की वजह से बच्चे तक सो नहीं रहे घरों में और परेशान है हर बंदा परेशान है तो ये बहुत बड़ा मतलब है मसला है इस पे मीडिया को और तमाम अहले इलाका को इस पर जो है ना एक एक तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस पर एक मीटिंग भी हो जिसमें सारे इलाके के लोग इकट्ठे हों इलाके के मौजूद लोग इलाके के लोग इकट्ठे हों एक जगह पे बैठें बड़े भी छोटे भी एक जगह पे उनकी मीटिंग हो और इस पे तबसरा हो इस पर बातचीत हो ये फायरिंग हर रोज होती है रात को लेके इशा से लेके सुबह फजर की अजान तक ये फायरिंग होती है इससे हमारे बड़े भी छोटे भी सारे परेशान हैं तो बहुत मतलब है मसला है ये तो इसको अच्छा झंडू के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे झंडू को पैगाम यही झंडू सीधा की अवाम को पैगाम यही है कि आप अपने घरों में अमन से रहें नमाज कुरान शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ें हमारा क्योंकि अस्ताना आलिया नक्शबंदिया हमदानिया नक्शबंदिया सिलसिला है और इससे यही पैगाम है कि अमन का पैगाम है हमें इस बात का सख्त अफसोस है कि अवाम अपने जान माल के तहफ्फुज के मसला पर खौफ हरास का शिकार हैं और बाज लोगों ने हमें फोन किया कि हमारी मदद करो लेकिन कैमरा का सामना करने से कतरा आगे हम तो हकायक हुकूमत तक पहुंचाते हैं आगे हुकूमत का काम है कि वो क्या करती है लेकिन हाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक।